जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। 9,47,370 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरण करें, यह धनराशि नाबार्ड के खाते में अंतरित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर। जो भी किसान पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके तहत अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 12 किस्तें सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी जा चुकी हैं। वहीं अब किसान बेसब्री से 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो 13वीं किस्त का इंतजार खत्म हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त आज किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसके तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की धनराशि पीएम मोदी ऑनलाइन डिविडेंड के माध्यम से जारी करेंगे। यानी कि आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर की जाती है, वहीं दूसरी किस्त की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच ट्रांसफर की जाती है, वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। आज यानी कि नए साल के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अपनी ईकेवाईसी अपडेट नहीं करवा रखी है उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं दी जाएगी। और हाँ, जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक भी किस्त प्राप्त नहीं की है उनके लिए भी अच्छी खबर है। उनको पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के साथ 13वीं किस्त, यानी कि 12वीं किस्त नहीं मिली है तो 12वीं किस्त और 13वीं किस्त साथ में ट्रांसफर किए जाएंगे। आप मान सकते हैं कि आज आपके खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। धन्यवाद।